हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टॉक्स विद आरू। और आज हम बात करेंगे घर पर डिटेन कैसे करें। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस टाइम पर हम ना कहीं जा सकते हैं, सैलून्स पे ओपन नहीं है, तो घर पर ही मैंने क्या किया था, मैंने नायका से ये रागा का डिटेन का पैक ऑर्डर कर दिया था। और इसमें आपके 6 पाउचेज आते हैं और हर एक पाउच आपका 12 ग्राम का होता है। और ईजिली आप इसको फुल फेस और फुल नेक पर, एक पूरा पाउच आपका फुल फेस और फुल नेक पर आप यूज़ कर सकते हैं। मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फेस पर ही अपना टैनिंग रिमूव कर लिया है यूज़ करना है इसको, तो आप दो लोग एक पैक को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपका कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड और हनी मिल्क, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो कोजिक एसिड आपका क्या करता है, आपका स्किन ब्राइटनिंग, स्केयर रिमूव्स और टैनिंग रिमूव का काम करता है। और लैक्टिक एसिड आपका स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम करता है। और हनी मिल्क आपको मालूम ही है कि वो मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है और स्किन को स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड कराता है। तो इस पैक को हम 15 मिनट्स तक अपने फेस पर लगा के रखते हैं। इसमें थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन होता है, लेकिन इतना कोई नहीं कि आप उसको लगा के नहीं रख सकते। ऑल स्किन टाइप है, हर कोई लगा के रख सकता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसको महीने में 2 बार यूज़ करती हूँ। और अगर जैसे कभी कभी गैप हो जाता है कि फुल मंथ ही नहीं यूज़ कर पा रही, तो कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आपको ब्लीच नहीं करनी है और आपको चाहिए कि स्किन रेडियंट एक आपका लुक आ जाए, तुरंत ही आपको रिजल्ट, मतलब एक आपको कुछ ग्लो चाहिए फेस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको ब्लीच वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ब्लीच कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हार्म ही करती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्लीच से दूर रहें, ब्लीच का यूज़ ना करें। आपको टैनिंग ही रिमूव करनी है तो आप इसको यूज़ करें। और स्किन पे आपको 12 घंटे बाद इसको लगाने के बाद रिजल्ट मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूज़ कैसे करना है और इसका रिजल्ट क्या है। तो अभी मैंने फेस को सिर्फ वॉश किया है मेरे नॉर्मली, लेकिन इसको लगाने से पहले मैं क्लिनजिंग मिल्क से पहले फेस को क्लीन करूँगी, ताकि डर्ट और इम्प्योरिटीज़ जो भी है इसके अंदर वो निकले, फिर इसको अपने फेस पे लग। तो अभी मैं अपना फेस नीविया के क्लिनजिंग मिल्क से पहले क्लीन करूँगी, ताकि स्किन के अंदर जो भी डर्ट है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर मैं अपना इरागा का डिटेन पैक लगाऊंगी। डिटेन लगाने से पहले अब मैं क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करूँगी अपना फेस को क्लीन करने के लिए, डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने के लिए। तो मैंने सिंपली इसको लिया अपने हाथों में और मैं अब इसको सिंपली फेस पर टैप टैप करके और सर्कुलर वाइज फेस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी, ताकि सारे फेस के डर्ट निकल जाए और पैक अच्छे से काम करे। अब मैं इसमें इसको एक अपना नॉर्मल वाटर से, आप चाहें तो वॉशरूम में जाके फेस भी वॉश कर सकते हैं, और अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं सिंपली एक कप का वेट टॉवल से इसको क्लियर कर दूँगी, फेस को क्लियर कर दूंगी, साफ कर दूंगी। अब एक ड्राई टॉवल से फेस को थोड़ा सा ड्राई कर दूंगी। अब इसके बाद हम डिटेन का पैक यूज करेंगे। तो डिटेन के पैक में, इस पैक में सिंपली यहां से कट करने के लिए आता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कट ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ क्लियर निकल गया। और फिर इसको सिंपली आप चाहें तो ब्रश से भी ले सकते हैं, अगर आपको ब्रश से लेना है तो ब्रश। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा शाइनी येलो उसमें होता है। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ, ये कलर इसका होता है, अगर आपको दिख, हाँ हल्का सा आपका शाइन रहेगा और थोड़ा सा येलो कलर रहेगा उसमें। मैं इसको, आप चाहे तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे वो अपनी फिंगर से ज़्यादा इजीली मेरे फेस पे मुझे लगाना ठीक लगता है। आप चाहे तो ब्रश भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे लेना है। तो सिंपल इसको यहाँ से पूरे फेस पे आइज़ के पास से हल्का सा छोड़ देना है और पूरे फेस पे एक थिक लेयर बना लेनी है। हल्का सा कूलिंग सेंसेशन होगा आप में आपके फेस पे, बट इट्स ओके, कोई इतना नॉर्मल है ये, क्योंकि इस डिटेन पैक में हल्का सा होता है कूलिंग सेंसेशन, तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना आपको
स्किन से आपके ये डिटन को रिमूव कर रहा है, तो जितना ज़्यादा टैनिंग आपके फेस पे होगी उतना ही ज़्यादा ये आपके स्किन पे सेंसेशन देगा। मैं इसे सिर्फ फेस तक यूज करती हूँ, फुल नेक तक इसे मैं यूज नहीं करती हूँ। एक मोटी सी लेयर, एक थिन लेयर आप लगा लें और आईज के पास से थोड़ा सा दूर ही रखें, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है, इसलिए आईज के पास से और थोड़ा सा यहाँ से। अब इसको लगाकर आपको 15 टू 20 मिनट्स छोड़ना है। 12 घंटे में आपको इजीली रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, अगर ये आपके आईज के यहाँ ऐसे के आईज और या इस तरह से कहीं लग जाए ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके बालों को ब्लीच नहीं कर रहा है, आपका टैनिंग रिमूव का काम कर रहा है। अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको आपको नॉर्मल कैसे रिमूव करना है, थोड़ा सा हाथ गीले करके गीले हाथों से फेस पे मसाज करना है, थोड़ा फिंगर से पानी लेके पूरे फेस पर 5 मिनट तक आपको इसको फेस पे मसाज करना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको पूरे फेस को वॉश कर देना है। मसाज इसलिए करना है ताकि ये अच्छे से निकल जाए और आपकी टैनिंग भी निकल जाए फेस से, जिसके लिए आपने इस पैक को यूज़ किया है। तो अभी 5 मिनट मसाज करने के बाद में अब मैं भी वॉशरूम जाके नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं यहीं पे वेट टॉवल से इसको क्लीन करूँगी। आप वॉशरूम जाके क्लीन, जब भी आप यूज़ करें तो आप इजली वॉशरूम जाके इसको फेस वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से अपना फेस धो सकते हैं। मैं आपको यहीं करके दिखाऊंगी, थोड़ा वेट टॉवल से क्लीन करूंगी। ये देखिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। गील टॉवल से मैंने अच्छे से पूरे पैक को निकाल दिया है। ये मेरा रहा आफ्टर रिजल्ट पैक हटाने के बाद में, जो कि दिख रहा होगा कि मेरे फेस से पूरी तरह से टैनिंग रिमूव हो चुकी है, और एक स्किन पे स्किन ब्राइटनिंग भी है, रेडिएंट लुक भी है। तो गाइज़, आप इस पैक को यूज़ करें, सारा के D10 पैक को यूज़ करें, और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।